نحمده ونسلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صدق الله العظيم السلام عليكم अल्लाक الله وبركاته محترم नाजरीन मैंने अभी अभी आप हजरा के सामने सुर मददा की छठी आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व نے वज़ू के फायज़ को बयान किया है तो हम और आप जिस इमाम की इतद करते हैं यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह रमतुल्लों उन्होंने इस आयत से चार फरज़ वज़ू के अखज़ किए हैं उनमें सबसे पहला ये है कि पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक एक कान के लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरे चेहरे को धोना ये वज़ू का सबसे पहला फ़र्ज़ है दूसरा फ़र्ज़ ये है कि दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना कुहनी इस कड़क हड्डी को बोलते हैं जहाँ से हाथ मुड़ता है यहाँ से दोनों हाथ धोना तीसरा फ़र्ज़ ये है कि चौथाई सर का मसह करना यानी पूरे पूरे सर के चार हिस्से किए जाएं, चार हिस्से करने के बाद एक हिस्से पर मसह करना फ़र्ज़ है और चौथा फ़र्ज़ है दोनों पैर टखनों समेत धोना ये वज़ू के चार फ़राइज़ हैं अगर इनमें से कोई एक अधूरा रह गया या छूट गया तो आपका वज़ू मुकम्मल नहीं होगा और जब आपका वज़ू मुकम्मल नहीं होगा तो आपकी नमाज भी नहीं होगी इसलिए आप हजरात जब वज़ू करें तो इन चार फ़रज़ का ज़रूर ख्याल रखें ताकि आपका वज़ू भी मुकम्मल हो जाए और आपकी नमाज भी दुरुस्त हो जाए अल्लाह इन बातों को कबूल फ़रमाए और इन बातों पर अमल करने की तोफ़ी अतः फ़रमाए वाखरूदानादुल्ल रबालमीन